गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रीति चौरसिया, योर सोशल साइंस सामाजिक विषय की टीचर। सामाजिक विषय में मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के विकास के बारे में पढ़ा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को विकास और विकास के मापने के क्या मापदंड है उसके बारे में मैं बताई थी। आज मैं आप लोगों को उसी के आगे जो पॉइंट है सार्वजनिक सुविधाएं, इसके बारे में बताऊंगी। आइए देखते हैं सार्वजनिक सुविधाएं किसे कहते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं मेन रूप से जो सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक सुविधाएं में आते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य मतलब रुपया आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। जब तक आप ऐसे समुदाय में जी जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। उदाहरण के रूप में सरकार को स्कूल खोलना चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे मुख्य रूप से लड़कियां माध्यमिक स्तर की शिक्षा की भी पूरी नहीं कर पाते। क्यों? सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। एक तालिका है जिसमें उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि की श्रेणी को बताया गया है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर पुरुष 52% और महिलाएं 90% दिखाया गया है। 10 से 14 वर्ष के बच्चों में साक्षरता दर 68% पुरुष और महिला 39% है। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत 64% पुरुष और 31% महिलाएं हैं। ये एक तालिका है जो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या के शैक्षिक स्तर को दिखा रहा है। इस प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है, जैसे केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बच्चों, आज हम सार्वजनिक सुविधाएँ क्या होती हैं इसके बारे में देखा, जो विकास के अंतर्गत एक पॉइंट है। आपका होमवर्क में है, आप लोग सार्वजनिक सुविधाओं से क्या समझते हैं इसके बारे में पढ़िए और लिखिए। आगे का इसमें जो पॉइंट है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय एंड टेक केयर।